नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है सूर्य रेखा। ऐसे तो सूर्य रेखा के विषय में पहले भी बहुत चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य रेखा जो खंडित हो। ये हमारा जो तर्जनी उंगली होता है, तर्जनी नहीं, ये हमारी अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, ये हमारी रिंग फिंगर, इसके नीचे का ये क्षेत्र जो है हमारा सूर्य का क्षेत्र है। और सूर्य रेखा अगर इस प्रकार से खंडित हो, ये चली, ये यहाँ पे टूट गई, ये यहाँ पे टूटी हुई है, तो अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे जातक के हाथ में या और भी तरह की लकीरें हैं जो यहाँ वहाँ टूटी हुई है। तो इस प्रकार की लकीरें होते तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं कि हमारे हाथ में सूर्य रेखा टूटी हुई है। तो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ, उसमें बहुत सारे ऐसे योग की चर्चा है कि रेखाएं टूटी हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचना नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जो है शासन प्रशासन को दिखलाता है, राज्य के लाभ को दिखलाता है, पद प्रतिष्ठा को दिखलाता है। साथ में इसके विषय में कहा गया है, अगर आपके हथेली में सूर्य पर्वत भी दबा हो, शनि पर्वत भी दबा हो और शुक्र पर्वत भी दबा हो, ये एक विचित्र योग बनता है। सोचने वाली बात है, ये धन का क्षेत्र है, ये भी हमारा जो है उभारा हुआ नहीं है, ये भी सामान्य है, या दबा हुआ है, ये भी थोड़ा दबा हुआ है, शुक्र भी दबा हुआ है, उसके बावजूद सूर्य रेखा भी टूटी हुई है। तो ऐसे जातक का क्या होता है कि जीवन के प्रथम 36 वर्ष, 36, अत्यंत कष्टमय, कष्ट के साथ व्यतीत होता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, अपने यहाँ के जो सामुद्रिक शास्त्र है और विद्वानों ने भी ऐसा लिखा है कि दुर्धरा योग बनता है अगर सूर्य, शनि और शुक्र तीनों पर्वत दबा हो, साथ में सूर्य रेखा खंडित हो, तो दुर्धरा योग बनता है। मतलब ऐसे जातक को 36 वर्ष तक अत्यंत कष्टमय जीवन जीना पड़ता है, व्यतीत करता है। ऐसे जातक का भाग्य उदय 36 वर्ष के बाद उदय हो जाता है, भाग्य का उदय हो जाता है। जीवन के 36 साल के बाद, मतलब 36 साल जैसे बीता, प्रारंभ हुआ दूसरा 37वां साल, आश्चर्यजनक रूप से प्रगति करता है। ये शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि एक विचित्र संभावना है कि सूर्य रेखा भी इसकी टूटी हुई है, शुक्र पर्वत दबा है, सूर्य पर्वत भी कमजोर है, शनि पर्वत भी कमजोर, उसके बावजूद ऐसा जातक 36 साल के बाद अत्यधिक और आश्चर्यजनक रूप से प्रगति करता है। दुर्धरा योग जो है एक फल का फल जो है विचित्र है, इसे इसलिए कहा गया कि कमजोर स्थिति होने के बावजूद ऐसे जातक 36 के बाद बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं। इस योग के जीवन प्रथम 36 वर्ष दुखमयी, ऐसा लिखता है, दुखमयी, कष्टप्रद और परेशानी पूर्ण होते हैं। प्रथम 36 वर्ष मतलब शुरू से लेकर 36 तक, उसके बाद आगे पूर्णतः सुखमय और समृद्धि पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णतः। आगे चल के इनके पास धन भी होता है, धन अत्यधिक मात्रा में होता है, मान भी होता है समाज में, यश भी होती है, इनकी नाम भी फैलती है, पद और प्रतिष्ठा भी होता है, मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक विचित्र प्रकार का ये फल है, इस निगेटिव साइन होने के बावजूद ये 36 साल के बाद सब कुछ बदल जाता है। आपकी यही टूटी हुई खंडित सूर्य रेखा अच्छे फल देने लगती है, आपके दबे हुए पर्वत आपका जो है अशुभ फल नहीं दे पाते हैं, ये भी शुभ फल देने लगते हैं। इसे दुर्धरा योग कहा गया है शास्त्रों में। वस्तुतः तो प्रैक्टिकल में भी ऐसी हथेली देखने को मिलती है कि हथेली में पर्वतों के जो कुछ भाग हैं ये कमजोर हैं, उसके बावजूद तो ऐसे जातक ने काफ़ी तरक्की कर ली है, जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ कर लिया है। उनका आरंभिक जीवन जो है बहुत कष्टमय था, गरीब परिवार में थे, छोटे परिवार में थे, बहुत कष्ट में उन्होंने जीवन को बिताया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो लड़कर 36 साल को उन्होंने बिता दिया, तो उसके बाद उनका भाग्योदय हो गया और धीरे धीरे कहाँ से कहाँ चले गए। अक्सर देखा होगा आपने कि छोटे स्थिति से आदमी अचानक से तरक्की करते हैं, उम्र जैसे जैसे बीतता है, तो कुछ ऐसे ही योग उनकी हथेली में पाए जाते हैं। तो हथेली में सूर्य रेखा खंडित हो तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पर्वत भी अगर दबे हुए हैं तो हथेली के कुछ ऐसे योग हैं जो आपको काफ़ी ऊपर ले जाते हैं 36 साल के बाद, मतलब ऐसे 36 साल के बाद काफ़ी सुखमय और समृद्धिपूर्ण जीवन होता है, सब कुछ इन्हें प्राप्त होता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।